हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं उसको एंजॉय करें। तो हम लोग चैप्टर नंबर सेकेंड का स्टडी कर रहे थे, रिटेलेशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी स्थापना की और कैसे बंगाल के नवाबों को हराया, कैसे अपना अधिकार लैंड के ऊपर प्राप्त कर लिया। तो आज हम उसके बारे में, अभी तक हमने पढ़ लिए थे सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, दैट इज व्हाई द थर्ड एंग्लो मैसूर वार व्हाट हैपेंड। चलिए, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ये युद्ध होता क्यों है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार व्हाई हैपेंड। टीपू वांटेड टू वाइड डस फोर्स ऑफ कंगनौर एंड एयरकोट इन कोचीन। टीपू चाहता था कि जो फोर्ट है, एक डस फोर्ट कंगनौर का और एयरपोर्ट कोचीन का, इनको खरीदना चाहता था टीपू। इससे जो मालाबार का कोच था उसकी सुरक्षा को मजबूत करना चाहता था। इन दोनों किलों को खरीद के वो चाहता था कि जो मालाबार की सुरक्षा है ये थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। इसलिए टीपू इन दोनों किलों को खरीदना चाहता था। कौन कौन से, डच फोर्ट और एयरपोर्ट, ठीक है। ड्यू टू डिफेंड मालाबार, ठीक है, मालाबार की सुरक्षा के लिए वो उसको खरीदना चाहता था। दूसरी तरफ ब्रिटिश वांटेड टू इंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मैसूर, और अंग्रेज चाहते थे जो मैसूर का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो क्या हो जाए, इंड हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये इसके पीछे रीजन था थर्ड एंग्लो मैसूर वार के होने का। इसके जस्ट अपोजिट एक राजा हुआ है त्रावणकोर का, वो अंग्रेजों का चाटुकार हुआ करता था, वफादार हुआ करता था। तो उसने क्या किया, ये जो दोनों फोर्स थे, ठीक है, उस राजा ने ये दोनों, किंग ऑफ त्रावणकोर, उसने ये दोनों के लिए खरीद लिए। बॉट दीज फोर्ट, चूंकि ये अंग्रेजों का चाटुकार था इसलिए इसने ये दोनों के लिए खरीद लिए। अंततः 1790 एडी को टीपू ने त्रावणकोर पे हमला कर दिया, अटैक कर दिया। दूसरी तरफ एक अंग्रेज गवर्नर हुआ करता था कॉर्नवालिस, उसने मैसूर पे इन्वेड कर दिया विद ह्यूज आर्मी, एक बहुत बड़ी सेना के साथ उसने, कॉर्नवालिस ने मैसूर पे आक्रमण कर दिया। यद्यपि टीपू बहुत ही बहादुरी से लड़ा, लेकिन फिर भी उसको इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और अंततः उसको एक संधि करनी पड़ी 23 फरवरी 1792 को, जिसको हम ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैसूर की जो संधि की गई 23 फरवरी 1792, जिसको हम ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम का हुई 23 फरवरी 1792 को, ओके। इसमें तय क्या हुआ, व्हाट वाज द मोटो ऑफ दिस ट्रीटी, हाफ ऑफ मैसूर एंड टू सन्स ऑफ प्रिजनर एज अ प्रिजनर। उसमें टीपू को आधा मैसूर अंग्रेजों को देना पड़ा। ये जो समझौता हुआ इसमें आधा मैसूर अंग्रेजों के पास चला गया और टीपू को अपने दो बेटे भी देने पड़े बंदियों के रूप में अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपीज देने पड़े एज अ वॉर डैमेज, जो भी युद्ध में नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए। तो ये जो कंक्लूजन है, ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार का कंक्लूजन है, ठीक है। इसके बाद होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। तो थर्ड मैसूर वार में क्या होता है, टीपू सुल्तान को अपना हाफ मैसूर देना पड़ता है, ठीक है, हाफ मैसूर टीपू सुल्तान का चला जाता है और उसके दो बेटे भी चले जाते हैं, ठीक है। इसको टू द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों को उसको अपने दो बेटे और आधा मैसूर देना पड़ता है, जिसमें थर्ड एंग्लो
मैसूर बार, ठीक है। जो तीसरा एंग्लो मैसूर बार होता है उसमें ये परिणाम निकल के सामने आते हैं। उसके बाद होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर बार। फोर्थ एंग्लो मैसूर बार होता है तो उस समय एक जनरल गवर्नर है ब्रिटिश का, उसका नाम है वेलाज़ली। वेलाज़ली 1798 में भारत आता है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल के, और ये गवर्नर जनरल है कैसा, ये बहुत ही इंपीरियलिस्टिक है, मींस साम्राज्यवादी। ये कैसा गवर्नर जनरल है, इंपीरियलिस्टिक, ये साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल है, और ये बहुत सारी नीतियां लेके आता है टीपू सुल्तान के सामने। और ये एक और नीति लेके आता है जिसको सब्सिडरी अलियंस कहा जाता है, सब्सिडरी अलियंस कहा जाता है, जिसको हम सहायक संधि कहते हैं। सहायक संधि, तो ये कोशिश करता है कि सहायक संधि से हम टीपू सुल्तान को मना लें, टीपू सुल्तान से बातचीत कर लें, बट टीपू सुल्तान इसको अस्वीकार कर देता है। टीपू सुल्तान सहायक संधि के पक्ष में नहीं होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, अप्रैल 1719 एडी में वो एक अभियान शुरू करता है, कौन, वेलाज़ली, लॉर्ड वेलाज़ली एक अभियान शुरू करता है किसके खिलाफ, अगेंस्ट टीपू सुल्तान, ठीक है। अप्रैल 1799 एडी में लॉर्ड है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अभियान शुरू करता है टीपू सुल्तान के खिलाफ। अंततः फोर्थ में, अप्रैल में अभियान शुरू करता है और फोर्थ में को मैसूर टीपू सुल्तान हार जाता है, और उसको लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होती है, मीन्स युद्ध में लड़ता हुआ वो मारा जाता है, और इस प्रकार मैसूर जो है, मैसूर लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंट, मैसूर लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस, मैसूर क्या कर देता है, अपनी जो आजादी है वो खो देता है। व्हेन फोर्थ में 1799 AD, ठीक है, अप्रैल को एक अभियान की शुरुआत करता है लॉर्ड वेलाज़ली, और फोर्थ में 1799 AD को जो मैसूर है वो अपनी पावर, जो उसका स्वतंत्र राज्य है वो खो जाता है, और टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार जो मैसूर का भी विलय है एक तरीके से, वो ब्रिटिश साम्राज्य में हो जाता है। मराठाओं के बाद अब जो मैसूर के शासक थे वो भी पूर्ण तरह से हार चुके थे, और मैसूर भी अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो मराठाओं के युद्ध के बाद, मैसूर के युद्ध के बाद युद्ध होता है सिख से, ठीक है। तो शुरू होता है एंग्लो सिख वार, ठीक है। तो मैसूर को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, एंड दे ऑल्सो ऑक्यूपाइड मराठाज पावर। नाउ द नंबर ऑफ सिक्स, रीजन क्या था, वाई दिस सिचुएशन इज हैपन, ऐसा हुआ किस लिए, इसका कारण क्या था। अफगानिस्तान का जो गवर्नर था उसने रणजीत सिंह को गवर्नर बनाया पंजाब का, ठीक है। द रूलर ऑफ अफगानिस्तान मेड रणजीत सिंह गवर्नर ऑफ द पंजाब। अफगानिस्तान के रूलर ने रणजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया, और रणजीत सिंह चाहते थे जो ईस्टर्न क्षेत्र है सतलज प्रोविंस का, मीन सतलज नदी के जो पूर्वी क्षेत्र है उसको वो ऑक्यूपाई करना चाहते थे रणजीत सिंह, और अंग्रेज उसको ऑक्यूपाई करना चाहते अपने अंडर में। ड्यू टू दिस कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जिससे झगड़े की स्थिति उत्पन्न हुई। अंततः 1809 में ऑक्टर लोनी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल है, इसने डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा है सतलज के पूर्व साइड का, वो किसका है, ब्रिटिश का है, तो अब किसी का भी इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसने जो सतलज रिवर का ईस्टर्न पार्ट था, ईस्टर्न रीजन, उसको ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया।
अंततः, और उसने ये भी चेतावनी दी कि अगर कोई लाहौर की साइड से आएगा और इस पे आक्रमण करेगा तो उसको बहुत ही भयंकर जो सेना है हमारी उससे लड़ना पड़ेगा। तो परिणाम स्वरूप महाराजा रणजीत सिंह ने अटैक किया और उनको 25 अप्रैल 1809 को हार का सामना भी करना पड़ा। और एक संधि हुई, ट्रीटी हुई अमृतसर में, ठीक है। तो अमृतसर की जो संधि हुई 25 अप्रैल 1809 को, उस संधि में ये हुआ कि जो ये हिस्सा है ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन ऑफ सतलज, ये किसका है? ब्रिटिशर्स का है। जिसके लिए लड़ाई हो रही थी उसको उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो जिसके लिए वो लड़ रहे थे उसको उन्होंने ले लिया। जो ईस्टर्न रीजन है उन्होंने कहा ये ब्रिटिशर्स का हिस्सा है और ब्रिटिश में ही रहेगा। तो रणजीत सिंह भी एग्री हो गए। तो जब तक रणजीत सिंह जीवित रहे तब तक उन्होंने उनके जो संबंध थे अंग्रेजों से वो बहुत ही मधुर कॉर्डियल रहे। लेकिन रणजीत सिंह की डेथ के बाद, जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो साम्राज्य में है वो फूट पड़ जाती है। इनकी डेथ होती है 27 जून 1839। इसके बाद इनके बहुत सारे जो इनके कोर्ट में है फूट पड़ जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि वो खुद राजा बने। तभी खड़क सिंह अपने आप को एक शासक घोषित करता है, और चूंकि खड़क सिंह वॉज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद कौन राजा बनता है? खड़क सिंह। खड़क सिंह राजा बनता है बट लेकिन वॉज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव, एक अच्छा प्रशासक नहीं होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव। इसलिए डोगरा ब्रदर्स इंटरफेयर करते हैं। डोगरा ब्रदर्स, ठीक है, ये जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव है सिस्टम है इसमें डोगरा ब्रदर्स हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है। तो इनके हस्तक्षेप करने के कारण उनके कोर्ट में फूट पड़ जाती है और इस फूट का फायदा अंग्रेज बखूबी उठाना जानते हैं। दे ऑलवेज कीप ऑन आई सस मैटर्स वेयर दे कैन क्रिएट एनी सच टाइप सिचुएशन टू क्वेरल टू वन एंड अनदर, दूसरे को आपस में लड़ा सके, ऐसी सिचुएशन का हमेशा वो फायदा उठाते रहते थे। और अंततः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और एक युद्ध होता है जिसको हम फर्स्ट एंग्लो सिख वार के नाम से जानते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वार के नाम से जाना जाता है। ये क्रिएट होता है इन दोनों की लड़ाई में। तो इस प्रकार आपने देखा कैसे अंग्रेजों ने मराठाओं को भी अपने अंडर में ले लिया और बाद में मैसूर की पावर को भी अपने अंडर में कर लिया। इसके बाद आते हैं सिख। तो सिखों में भी उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि अब एंग्लो सिख वार होना तय हो चुका था ड्यू टू इंपेलेस्टिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज, क्योंकि वो साम्राज्यवादी नीति के थे और फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे। तो रणजीत सिंह के मरने के बाद उनके यहाँ भी खड़क सिंह और डोगरा ब्रदर्स जैसे लोग अब क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे शासन पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए। तो परिणाम स्वरूप यही कुछ रीजन रहे, यही कुछ कारण रहे जिससे फर्स्ट एंग्लो सिख वार शुरू हुआ। तो जो लॉर्ड हेडिंग्स था तो शुरू में कुछ लड़ाइयों के बाद उसने 13 दिसंबर 1845 को सिखों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, डिक्लेरेशन कर दिया कि अब हम सिखों से युद्ध लड़ेंगे। 10 फरवरी 1846 AD सिख डिफीटेड कंप्लीटली, ठीक है। 10 फरवरी 1846 तक जो सिख थे वो पूर्ण रूप से हार चुके थे, मीन्स उनकी जो निर्णायक हार है वो हो चुकी थी। अंततः उन्हें एक संधि करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1 मार्च 1846 को उनको एक लाहौर की संधि करनी पड़ी। और इस संधि में हुआ क्या, इस संधि में हुआ जो जालंधर का द्वाब था, जालंधर द्वाब
जालंधर दुआब ब्रिटिशर्स को दे दिया गया, गिवन टू ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो हर संधि में कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई होती थी और सिखों से कहा गया कि आप हमें कितना वन करोड़, ठीक है, एक करोड़ 50 लाख, और सिखों से कहा गया कि आप हमें 1,50,00,000 रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देंगे। 1,50,00,000 रुपए आप हमें क्षतिपूर्ति के लिए देंगे जो हमारा युद्ध में नुकसान हुआ है। और इसमें जो सिखों की आर्मी थी उसमें भी क्या किया कर दिया गया, उनमें उनकी संख्या में कम कर दी गई, जिससे कि वो आगे और एट्रेशन ना कर पाए, संघर्ष ना कर पाए। उसके बाद हेडिंग्स वांटेड टू कंट्रोल ऑन पंजाब, हेडिंग जो था वो चाहता था कि पंजाब पे उसका नियंत्रण रहे पूर्ण रूप से। कब तक? जब तक कि दिलीप एडल्ट ना हो जाए। ठीक है, जो भावी शासक था, राजा बनने वाला पंजाब का दिलीप सिंह, जब तक ये एडल्ट ना हो जाए तब तक अंग्रेज चाहते थे कि हमारा जो कब्जा है वो नेपाल पे पूर्ण रूप से नियंत्रण रहे, पंजाब पे। तो उनका जो पूर्ण नियंत्रण है वो नहीं हो पाया, इसलिए एक सप्लीमेंट्री ट्रीटी हुई ऑफ भैरोवल। भैरोवल में एक संधि हुई 22 दिसंबर 1846 को। उनको इस संधि में ये हुआ कि पंजाब से एक छोटा सा पार्ट उनको दे दिया गया उनको शासन करने के लिए, तो एक छोटे से हिस्से पे वो शासन करने लगे पंजाब के। तो ये फर्स्ट एंग्लो सिख बार का एक कंक्लूजन था, एनालिसिस था, कैसे क्या सिचुएशंस हुई, क्यों युद्ध हुआ और सिखों को हार का सामना करना पड़ा फर्स्ट एंग्लो सिख बार में। तो जब दूसरा एंग्लो सिख बार होता है, इसके बाद सिख साम्राज्य का विलय वो ब्रिटिश एम्पायर में हो जाता है, सिख अपनी जो सत्ता है, अस्तित्व है वो खो देते हैं। इसके कारण क्या थे, जो सेकेंड एंग्लो सिख बार हुआ क्यों, इसके बहुत सारे रीजन थे। एक तो ये जो रानी जिंदा थी उनके राइट्स छीन लिए गए थे, अधिकार जो थे उनके छीन लिए गए थे, द राइट्स ऑफ द रानी जिंदा वर स्नेस्ड। ठीक है, और 1847 से लेकर 48 तक ब्रिटिश ने बहुत सारे रिफॉर्म किए, बहुत सारे सुधार किए, जो एंटी सिख थे, जितने भी रिफॉर्म किए, जितने भी सुधार किए वो सारे सिख विरोधी थे। तो इसका एक भी एक रीजन था युद्ध लड़ने का। दूसरा, जो रेजिडेंट थे और लॉर्ड डलहौजी था, उसकी ऐसी इच्छा थी कि जो पंजाब है वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाए। तो ये कुछ रीजन थे जिसके कारण सेकेंड सिख एंग्लो बार हुआ। अंततः लॉर्ड डलहौजी ने डिक्लेरेशन कर दी कि वो 10 अक्टूबर 1848 को युद्ध शुरू करेगा। मींस उस युद्ध की घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने 10 अक्टूबर 1848 को कर दी। और ये युद्ध कब तक चला, 13 मार्च 1849 तक। और ये युद्ध जो है वो समाप्त हुआ, कुछ राजा हुए पंजाब के, उन्होंने समर्पण कर दिया, उनके समर्पण के साथ ही ये युद्ध समाप्त हुआ। कौन कौन से थे, शेर शाह, छत्तर सिंह, मूल राज और बहुत से छोटे छोटे राजा थे, इन्होंने अंग्रेजी सेना के आगे समर्पण कर दिया और इस युद्ध की समाप्ति हुई। 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा कर दी, डिक्लेरेशन कर दिया कि जो पंजाब है अब ब्रिटिश शासन का हिस्सा है। तो इस प्रकार पंजाब हैज लॉस्ट, पंजाब ने भी अपना जो इंडिपेंडेंट अस्तित्व था, ठीक है, उसने अपनी स्वतंत्रता आज़ादी खो दी और अब ये किसका हिस्सा बन चुका था, अब ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। तो आपने देखा किस प्रकार अंग्रेजों ने मराठाओं से युद्ध करके और मैसूर में जो मैसूर के शासक थे उनके युद्ध करके और सिखों से युद्ध करके अब कितना सारा क्षेत्र अपने अंडर में कर लिया था। बंगाल पहले उनके अंडर में था, इसी के कारण अब बाद में हमारे शुरू होती है स्वतंत्रता की क्रांति 1857। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, तो अगर आपको इससे संबंधित कोई सजेशंस है, कोई कंप्लेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी सजेशन, देन यू आर मोस्ट वेलकम। ओके।